तो भाई लोग अवतार 2 का ट्रेलर आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी मैं इतने खूबसूरत ट्रेलर को कैसे मिस कर सकता था, क्योंकि इसमें जो हमें विजुअल्स दिखाए हैं वो अपनी आंखों के लिए ब्लेसिंग्स से कम नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरती के साथ किसी कलरफुल एनवायरनमेंट को प्रेजेंट करने वाली ये पहली ही मूवी है। और जिस तरीके से इस ट्रेलर में हमें अंडर वाटर टेक्स्चर्स, कैरेक्टर के फेस की डिटेल्स और ख़ास करके वो पानी के अंदर से ग्लोइंग लाइट्स को प्रेजेंट किया जाता है, उसकी जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। लेकिन भाई लोग, एक मूवी विजुअल्स के दम पर ही अकेले नहीं चलती है, उसमें स्टोरी लाइन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर इस ट्रेलर को देखकर मैं आपको मूवी के बारे में एक छोटा सा आइडिया दूं, तो ये मूवी पहली मूवी के इवेंट्स के 10 साल बाद सेट होगी, जिसमें हमें सुली फैमिली की स्टोरी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें जेक, नैत्री और उनके जो बच्चे हैं जो अब अपने टीनेज में पहुँच चुके हैं, उन्हें किन किन ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये मूवी इसके फर्स्ट पार्ट अवतार 1 से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, जो कि पूरा का पूरा फोकस पैंडोरा के जंगलों में करती थी, जबकि ये मूवी अपना पूरा का पूरा फोकस पैंडोरा के ओशियन लाइफ्स पे करेगी। तो ट्रेलर को देखकर हम ये साफ कह सकते हैं कि कैसे जेक, नैत्री और उनके बच्चों को अपने लैंड को छोड़ने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और कैसे मैटकाइना क्लैन के लोग उन्हें आउटकास्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर आपको मैटकाइना क्लैन के बारे में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैटकाइना क्लैंस उन अवतार्स का ग्रुप है जो ओशियन के पास अपना क्लैन बनाकर रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल अवतार से अपीयरेंस में स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। जहाँ पर एक नॉर्मल अवतार पर्पलिश शेड में होता है और उसकी आईज भी येलो होती है, वहीं पर मैटकाइना क्लैन के लोग ओशियन ब्लू की शेड में होते हैं और उनकी आईज का कलर भी ओशियन ब्लू ही होता है। और ट्रेलर में हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे यही मैटकाइना क्लैन के लोग जेक, नैत्री और उनके बच्चों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कैसे उन्हें एक आउटकास्ट कहा जाता है। लेकिन जब उनके होमलैंड पर खतरा आता है, तो अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वही लोग जेक, नैत्री और उनके बच्चों के साथ मिलकर एक वॉर को लड़ते हैं, जिसमें कि हमें काफ़ी सारे अंडरग्राउंड फाइटिंग सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिस वॉर का कारण सिर्फ और सिर्फ बचकांड ह्यूमंस होते हैं। जी हाँ, ये बचकांड ह्यूमंस अब पेंडोरा के जंगलों को छोड़कर पेंडोरा की ओशियन लाइफ में भी पहुँच चुके हैं, जो कि किसी रीज़न से ही आए होंगे, और वो आते भी पूरी तैयारी के साथ हैं, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ी टाइप की शिप को देख सकते हैं जो कि वेपन से लोडेड होती है। और साथ ही साथ ये ह्यूमंस एक एक्सोस्केलेटन सूट टाइप में भी आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस बार तो ये पेंडोरा को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और एक जो मुझे इस ट्रेलर का मेन हाईलाइट लगा, कि कैसे जेक की बेटी इन पेंडोरा की लाइफ से समहाउ कनेक्ट कर पाती है। वो जेक को बताती है कि मैं उसकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा माइटी है, और कैसे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपनी चोटी से और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से वहाँ की प्लांट लाइफ से कम्युनिकेट करती है। और इवन कि एक शॉट में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे ये लड़की अपना हाथ उठाकर एक मैजिक जैसा परफॉर्म करने की ट्राई कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ज़रूर इस लड़की में कोई सुपर पावर्स है, जिसकी वजह से ही ये वहाँ की प्लांट लाइफ से कम्युनिकेट कर पा रही थी, और इसका मूवी में कोई ना कोई मेन रोल भी हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बच्ची का रोल सिगोर्नी वीवर ने प्ले किया है, जिन्होंने की फर्स्ट मूवी में भी एक रोल प्ले किया था। और हैरानी इस बात की नहीं है कि वो इस मूवी में एक डिफरेंट रोल प्ले कर रही हैं, जबकि हैरानी इस बात की है कि एक 72 साल की महिला को एक 12 साल की बच्ची का रोल क्यों दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न होगा, पर अगर इसके पीछे कोई ना कोई खास रीज़न हो तो अच्छी बात है। तो वैसे तो मैं इसके विजुअल्स की पहले ही बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूँ, लेकिन एक शॉट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पर जेक और उसकी बेटी पानी में पैर डुबा के बैठे होते हैं, उसके अंदर से जो लाइट्स निकल रही होती है, भाई साहब क्या कमाल की लग रही होती है। मतलब दिल जीत लिए हो हमारा, इतनी कमाल की लाइट्स और इतने कमाल के ग्राफिक्स और विजुअल्स, लगता है जेम्स कैमरॉन चचा ने पूरे के पूरे 10 साल इसके विजुअल्स को डेवलप करने में ही लगाए हैं, तभी तो इतनी खूबसूरती निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ हमें पेंडोरा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल करके वो उड़ते हैं और अंडर वाटर में लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। कुल मिला के पूरा का पूरा तेल निकाला जाता है बेचारों का, बहुत ही फ़ायदा उठाया जाएगा बेचारों का मूवी में। तो चलिए, जोक्स अपार्ट, और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे ये मूवी अपने टाइटल को जस्टिफाई करती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे पानी ही सब कुछ है, कैसे पानी से ज़िंदगी शुरू होती है और कैसे पानी से ही ज़िंदगी ख़त्म होती है, जिसमें कि हम एक नावी बेबी को एक मॉन्स्टर के सामने पानी में फ्लोट होते हुए भी देख सकते हैं, और उसी के साथ अगले शॉट में एक डेड बॉडी को भी पानी में देख सकते हैं।
तो समझ रहे हो कितनी खूबसूरती से इस मूवी में हर एक चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। तो इस मूवी को थिएटर्स में ना देखना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आप बताइए, आप इस मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं अपनी बताऊं तो इसके सुंदर विजुअल्स को घर पर बैठकर एंजॉय नहीं किया जा सकता, और ये एक डेफिनेटली थिएटर एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज भी बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गई, तो इस वीडियो को बंद करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।